गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट गनाश की रेसिपी, जो वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसमें हम कोई ना कोई क्रीम यूज़ करने वाले हैं ना कोई मिल्कमेड। सारे वही इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे जो हमारे घर में ऑलमोस्ट रहते ही रहते हैं। तो हम ये सिंपल झटपट क्विक टेम्पटिंग सी रेसिपी शुरू करते हैं। उसके पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए ये मैंने ली है 2 चम्मच, छोटे चम्मच के करीब मैंने ली है मलाई, जो दूध की गाढ़ी मलाई होती है, और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा दूध लिया है। तो हम इसे इस तरह से चला लेंगे ताकि जो दूध और मलाई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई भी लम्स ना रहे, मलाई के टुकड़े ना रहे। इस तरह 1 मिनट चलाएंगे तो ये सेटल हो जाएगा। ये देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक जो पैन है गैस फ्लेम पर गर्म करने रख दिया है, उसमें हम डालेंगे अपना ये दूध और मलाई का मिक्सचर, और मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म होने देंगे। इसे लाइक ज्यादा उबालना नहीं है अपन को, बस हल्का सा गर्म होके इसमें बबल आने लगे उतना ही। इसे हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो इसे गर्म होने देते हैं। और ये देखिए गाइस, विद इन 1 मिनट इसमें बबल्स आने लगे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो गैस फ्लेम है उसे बंद कर देंगे और उसमें अब डालेंगे अपने बारीक चॉप करे हुए चॉकलेट। ये मैंने डार्क चॉकलेट यूज करा है, आप इसकी जगह लाइट भी कर सकते हैं, लाइट चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, डेरी मिल्क भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एक लिड की हेल्प से इसे कवर करके 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। 2 मिनट तक हमने इसे खोलना नहीं है, हिलाना नहीं है। ठीक है गाइस, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी लिड हटाती हूँ। लवली, आप देख सकते हैं जो चॉकलेट है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और हम इसे मिक्स करेंगे। कितना ब्यूटीफुल कलर आ रहा है, इजंट इट। और इसमें मैं स्टेज पर डालूंगी 2 क्यूब्स ऑफ बटर। इसे डालना ऑप्शनल है, इसे डालते हैं तो जो चॉकलेट गनाश है या जो उसकी फिलिंग है वो बहुत ही रिच बनती है। प्लस अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसे कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, या इसकी जगह थोड़ा सा लाइक 1/2 स्पून से भी कम आप इसमें घी भी यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बस गैस फ्लेम ऑन नहीं करना है, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, और ये हमारा चॉकलेट गनाश जो है वो बन के तैयार है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से सब कुछ इसमें मिल चुका है, और ये हमारा चॉकलेट गनाश विदाउट क्रीम बनके तैयार है। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसका कलर और टेक्सचर आया है, कितना ग्रीसी, कितना शाइनी लग रहा है ये। और आप इसे बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, किसी भी एयरटाइट डब्बे में रख लीजिए और आप इसे 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। होप मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो, और अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को जल्दी से एक लाइक दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।